हेलो एवरीवन, मैं मीसा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ पोहा पराठा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पोहा पराठा बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। पोहा, लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन, जीरा, तेल, अदरक, हरी मिर्ची, नमक, आलू और हींग। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक जार लिए हैं और इसमें हम पोहा को डालेंगे और इसका हम एक पाउडर तैयार कर लेते हैं। पोहा का पाउडर हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। फिर से हम जार लिए हैं और इसमें हम आलू को डाल रहे हैं। आलू हमारा कच्चा है, हरी मिर्ची, अदरक, इन सभी का हमें एक पेस्ट बनाना है। आलू का भी पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम एक डो तैयार करेंगे। इसके लिए एक बर्तन लिए हैं, इसमें हम पोहा का जो पाउडर बनाए थे उसे सबसे पहले लेंगे। हमने जो आलू का पेस्ट तैयार किया है उसे डाल देते हैं। अब हम इसमें जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हींग और अब हम अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारा कुछ हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। हमारा जो डो है वो तैयार हो गया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गया है और आटा हमारा सेट हो चुका है। गैस पे अब हम तवा को चढ़ा दिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे लोई तोड़ लेते हैं और इसे गोल कर लेते हैं और इसे सूखे आटे में लपेट लेते हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। देखिए हमने पराठा को बेल लिया है और इसका थिकनेस हमें इतना रखना है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पराठा डाल देते हैं। एक तरफ से पराठा हमारा सिक चुका है, इसे हम पलट लेते हैं। अब हम इसे घी लगा देते हैं, वापस से इसे पलट लेते हैं और इधर भी हम घी लगा देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये पराठा हमारा बनके तैयार होता है। पराठा हमारा हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया है। एक तरफ से पराठा हमारा सिक चुका है, इसे हम पलट देते हैं। इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और इधर भी हम घी लगा देते हैं। देखिए कितना फूला फूला और सॉफ्ट हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी का बचा हुआ पराठा भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए हमारा जो पराठा है वो कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट में भी बना के आप सर्व कर सकते हैं। पराठा को मैंने सर्व कर लिया है और पराठे को मैंने सर्व किया है रायता के साथ। और अगर आपको हमारा पराठा बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।